नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। वहीं मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र में बीती रात दर्दनाक सड़क हादसे में चार दोस्तों की जान चली गई। ये चारों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर सरस्वती पूजा के लिए सामान खरीदने जा रहे थे और तभी स्टेट हाईवे 52 पर बेलगाम ट्रक ने इन्हें रौंद डाला। बताया जा रहा है कि मृतकों में दो युवक बेनीपट्टी थाना इलाके के निवासी थे, जबकि दो युवक बिस्फी के रहने वाले थे। सभी की उम्र 16 से 20 साल के बीच की थी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं युवकों की मौत से पूरे घर में मातम का माहौल बना हुआ है। वहीं इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुबनी से नवीन नायक जुड़ चुके हैं। नवीन, बीती रात जिस तरीके का हादसा हुआ है, कहा जा रहा है कि सरस्वती पूजा का की सामान की खरीदारी करके ये लौट रहे थे और ट्रक ने रौंद दिया इन्हें, क्या अब तक जो फरार ट्रक ड्राइवर है इस पर कोई कार्रवाई की गई है? पुलिस का क्या कुछ कहना है नवीन? देखिए, ये घटना रात की नहीं है, घटना सुबह 8 से तकरीबन 9 बजे के बीच की बताई जा रही है। जिस वक्त चारों बुलेट सवार मधुबनी से अपने घर अरेर थाना क्षेत्र के एक तारा जा रहा था, उस दौरान अरेर थाना क्षेत्र के ही पौना गांव के निकट ट्रक में टकरा गई, जिससे उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के माने तो जगह सुनसान था, जिस कारण किसी चिन्ह का नजर उन पर नहीं पड़ा, जिस कारण दर्दनाक मौत हो गई घटनास्थल पर ही। जी नवीन, तो अब तक पुलिस के तरफ से क्या कुछ बयान आया इस पे? जो आरोपी ड्राइवर था, जो ट्रक का ड्राइवर था जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया, क्या इस पर अब तक कोई कार्रवाई की गई? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पे नवीन? इस संबंध में अरेर थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार पहुंच के शिनाख्त किया और उसी दौरान बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह पहुंचा और ट्रक ड्राइवरों की पड़ताल कर रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन। तो मधुबनी में ट्रक ने चार युवकों को रौंद डाला और वहीं मौके पर ही उन सबकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पर अब तक कार्रवाई कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ।